उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। दंगाई खुलेआम घूमते हैं, वो 30 मार्च निकालते हैं, उनके साथ प्रोटेक्शन घूमती है। यहां नहीं पता कोई सर फिर आके गोली चला देगा। इस मुल्क को बचाने के लिए अगर आंदोलन करना, सड़क पर आना, आवाज देना, इकट्ठे होना अगर अपराध है, तो ये अपराध आप याद रखिए कि ये अपराध किया जाएगा। भारत की राजनीति की उथल पुथल में कई बार छोटे संगठनों का भी हाथ देखा गया है। उससे बदलाव भले ही हो या ना हो, पर वो अक्सर सुर्खियों में आते हैं। उन्हीं कुछ संगठनों में एक भीम आर्मी भी है, जिसके साथ कई विवाद जुड़े हुए हैं। और इन विवादों में भीम आर्मी के कर्ता धर्ता चंद्रशेखर आजाद रावण का भी नाम सुर्खियों में आया है। तो आइए जानते हैं कौन है चंद्रशेखर आजाद रावण और कैसे हुई भीम आर्मी की शुरुआत। चंद्रशेखर का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चटमलपुर के पास धड़कुली गांव में हुआ था। जिले के पास एक स्थानीय कॉलेज में उन्होंने कानून की पढ़ाई की। वो पहली बार 2015 में विवादों में घिरे। उन्होंने अपने मूल स्थान पर एक बोर्ड लगवाया था जिसमें लिखा था, धड़कुली वेलकम यू द ग्रेट चमास। इस कदम ने गाँव में दलितों और ठाकुर के बीच तनाव पैदा कर दिया था। चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया के जरिए काफी सुर्खियां बटोरी है। चंद्रशेखर ने फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को भीम आर्मी से जोड़ने का काम किया। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अपनी ताकत उस वक्त दिखाई जब नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में दलितों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। सहारनपुर में दलितों पर हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन के बाद चंद्रशेखर ने कहा था कि अगर 37 निर्दोष दलित जमानत पर रिहा किए जाए तो वो आत्मसमर्पण कर देगा। अब ये जानते हैं क्या है भीम आर्मी। भीम आर्मी एक बहुजन संगठन है जिसे भारत एकता मिशन भी कहा जाता है। ये दलित चिंतक सतीश कुमार के दिमाग की उपज है। इसे 2014 में चंद्रशेखर आजाद रावण और विनय रत्न आर्य ने हाशिए वाले वर्गों के विकास के लिए स्थापित किया था। भीम आर्मी का कहना है कि वह शिक्षा के माध्यम से दलितों के लिए काम कर रहा है। इसका बेस मुख्य तौर पर यूपी में है। सहारनपुर में ये वर्ष 2017 में चर्चाओं में आया। चर्चाओं में आने की वजह थी जाति संघर्ष। हिंसा के आरोपों के बाद भीम आर्मी के मुख्य कर्ता धर्ता चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया। चंद्रशेखर की अगुवाई में 25 युवा भीम आर्मी संभालते हैं। भीम सेना और अम्बेडकर सेना भी ऐसे ही संगठन है, लेकिन भीम सेना हरियाणा में ही काम कर रही है और अम्बेडकर सेना का गढ़ पूर्वी यूपी में है। भीम आर्मी दलित शब्द के खिलाफ है और अम्बेडकरवादी सोच वालों का स्वागत करती। अब जानते हैं भीम आर्मी ने रफ्तार कैसे पकड़ी। सितंबर साल 2016 में सहारनपुर के चटमलपुर में स्थित AHP इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की कथित पिटाई के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार ये संगठन सुर्खियों में आया। 5 मई 2017 को सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर शब्बीरपुर गांव में राजपूतों और दलितों के बीच हिंसा हुई थी। इस हिंसा में कथित तौर पर दलितों के 25 घर जला दिए गए थे और एक शख्स की मौत हो गई। इस हिंसा के विरोध में जब प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने 37 लोगों को जेल में डाल दिया और 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस पूरे मामले के बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे जर्नी।